अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ एबटाबाद में हैं और इस वक्त जो है वो एबटाबाद में मेरा ख्याल है तकरीबन 11 बज रहे हैं और मैं अभी होटल से निकला हूँ और होटल से निकलने के बाद जो है वो मैं आपको एबटाबाद का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू कराऊंगा। मैंने करीम लेने की कोशिश की तो करीम जो है वो मुझे मिली नहीं और जो है ना यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ये है कि जो है ना ये सुजुकीज़ हैं और सुजुकीज़ लेके जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये डाइवो के डाइवो टर्मिनल जाना है, डाइवो डाइवो टर्मिनल जाना है, फवारा चौक बैठ जाएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा करीम जो है वो मैं काफ़ी देर से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको बुक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर करीम जो है वो के यहाँ बाइक भी नहीं चलती ना बाइकिया है और करीम जो है वो भी बड़ी मुश्किल से आती है। तो ये सुजुकीज़ हैं यहाँ पे पिकअप जो होती हैं, तो जो है ना यहाँ पे बैठ के इन पे बैठ के आप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। आगे दूर है, आगे है ना अभी तो। अच्छा, मैं जिस होटल में रह रहा था वो बिल्कुल सेंटर में है और वहाँ से आने के लिए ये फवारा चौक हो या ये जो दूसरा टर्मिनल है उसका क्या नाम है, डाइवो का दो टर्मिनल है ना, एक तो फवारा चौक है और एक मेरा ख्याल है वहाँ मंडिया में मंडिया चौक मिसाइल चौक, तो वो जो मिसाइल चौक है वहाँ हो या ये फवारा चौक हो, दोनों सूरतों के अंदर अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं ट्रांसपोर्ट अपने सामान के साथ होटल में जाने के लिए तो आपको 300-400 रुपए का लगेगा और अगर ये सुजुकी ले लेते हैं तो सुजुकी जो है वो आपको 30-40 रुपए ही लेते हैं मेरा ख्याल है। 30 रुपए ये आपको यहाँ सुजुकी के अंदर ले लेंगे और वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुँचा देंगे। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है 11:03 के ऊपर जो है वो हम लोग वहाँ से निकले थे और अभी जो है ये 11:16 हो गए, तो ये तकरीबन 13 से अभी तक हम लोग जो है वो चल रहे हैं और मेरा ख्याल है ये अभी 5 और लगेंगे फवारा चौक तक पहुँचने के लिए, तो तकरीबन जो है ये 15-20 की ड्राइव है होटल से फवारा चौक तक। आ गया फवारा चौक, आ गया। हाँ बॉस, आगे फवारा चौक, फवारा चौक आ गया, मतलब आगे है थोड़ा सा डाइवो का, डाइवो का टर्मिनल आगे है। अच्छा, आपको कितने, 30 रुपये? ये लीजिएगा जी, 30 रुपये। अभी आप यहाँ स्टे करोगे या जाओगे, घुमाओगे यहाँ से? अच्छा भाई, इन्होंने हमें जो है वो अपना जो इनका सुजुकी का जो स्टॉप है वहाँ पे छोड़ दिया है और यहाँ से जो है वो हमें अब खुद पैदल चल के डाइवो के टर्मिनल तक जाना है और साथ साथ जो है वो आप लोग यहाँ एबटाबाद भी देखते रहें।
यूट्यूबर है? हाँ ऐसे ही है। अपना चैनल? अपना चैनल है, सभी तो यूट्यूबर हैं। नाम क्या? हाँ तो सब्सक्राइब करने का वो कब मिला था? मुबशर वोहरा। मुबशर? मुबशर वोहरा। वोहरा? अच्छा जी, हम लोग तो यहाँ आ गए डाइबो के टर्मिनल पर। यहाँ से हम वापसी की लाहौर की टिकट ले लें और फिर वहाँ से कराची। ये आ गया जी हमारा डाइबो का फवारा चौक का टर्मिनल। जी 1980 रुपये ये लीजिएगा। अरे हज़ार रुपये पड़े हैं टूटे हुए और फिर नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया। और ये चार बजे की है। अच्छा जी, अब हम जो है वो अपना टिकट ले चुके हैं। अच्छा, जब मैं आ रहा था लाहौर से एबटाबाद तो मेरा टिकट था 2110 रुपए का, और अब जब मैं यहाँ एबटाबाद से लाहौर जा रहा हूँ तो मेरा टिकट है 1980 रुपए का। तो खैर पता नहीं ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब जिस वजह से भी आ रहा है आ गया है। हमने जो है वो दोपहर को 1 बजे का टिकट लिया, फिर भी कंफर्म कर लें यार 1:30 बजे डिपार्चर टाइम जो है वो 1:30 बजे। तब तक जो है वो हम आपको ज़रा सा एबटाबाद ही दिखा दें।
अच्छा जी, तो अब जो है टिकट लेने के बाद हम यहाँ थोड़ा एबटाबाद का टूर करेंगे और आप लोग भी देखें, हम लोग भी देखते हैं।
केले कैसे दिए भाई? डेढ़ सौ। وعلیکم السلام
Ready?
जाएगी है। अच्छा जी, ये है हमारा एबटाबाद और अब जो है मैं काफ़ी लंबी वॉक के ऊपर आ चुका हूँ और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ नीचे कचरे के ढेर हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि जो ये तालिबान आए थे सवात पे और जो वहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया था, तो उसके बाद सवात के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एबटाबाद आ गए और एबटाबाद की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये गंदगी जो है वो यहाँ पर है। तो खैर रिगार्डलेस, वो जिसकी वजह से भी हो, गंदगी तो गंदगी है और इसको साफ़ करने का जो है अमला वो जो है वो मौजूद नहीं है। गालबन अगर एक आध बंदा कोई हो सफाई वगैरह करने का वो कर रहा होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ और अब यहाँ से वापस किस तरीके से जाना है ये सोचने की बात है, क्योंकि जो ये सुजुकी पिकअप वाले हैं इनको मैं रोकने की कोशिश तो कर रहा हूँ और अब ये रुकने का नाम ले नहीं रहे। तो अब देखें भाई कि ये जो है वापस इतनी लंबी वॉक करनी पड़ेगी जितनी लंबी वॉक करके आए, या फिर हमें कोई ट्रांसपोर्ट, कोई करीम रक्षा तो चलता ही नहीं है यहाँ पर। बाइकियाँ भी नहीं है, करीम की बाइक भी नहीं है, करीम की गाड़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से आती है। एक ये बंदा है, रुकेगा नहीं। अरे सामान भरा पड़ा है, इसमें वो लोग भरे पड़े, रुकेगा नहीं, नहीं है ये लोग भाई, भरा पड़ा। वैसे महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हैं, और पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, ना फिक्र है ना कुछ पाता है भाई, बस इंजॉय करते हैं। ये रुकेगा, रुक जाएगा नहीं। सामान भरे हुए भाई, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ना वो सारे सुजुकियाँ इनकी फुल हैं। 12:13 हो गए हैं, मेरा ऑलरेडी चेकआउट का टाइम जो है वो निकल चुका है, होटल से ख़त्म हो गया है और मैंने अभी तक चेकआउट किया नहीं है होटल से। तो अब ये है कि वक्त पे चले जाएं, क्योंकि फिर 1:30 जो है वो मेरी बस है और इससे ज़्यादा जो है वो मैं आपको आगे लेके जा नहीं सकता हूँ। बस एबटाबाद जो है वो यही है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर घर हैं और जो है ना खूबसूरती है अपने हिसाब से, एक नेचुरल ब्यूटी है और मुझे पर्सनली एबटाबाद बहुत अच्छा लगा और जो है ना यहाँ पर आना चाहिए और रहना चाहिए। कभी घूमने फिरने के लिए बंदा आ रहा हो तो यहाँ पर भी आ सकता है। अच्छा जी,
ये हो गई है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुश्किल, और अब लगता है मुझे दोबारा डाइवो के अड्डे तक जाना पड़ेगा और फिर वहीं से बस मिलेगी। किस तरह जा रहे हैं? ये नहीं रहा है। अच्छा
यार यहाँ से कोई गाड़ी जाती है उधर, कोई ट्रांसपोर्ट है जो जाएगी बाजार तक? मैं कह रहा हूँ कोई ट्रांसपोर्ट है जो वो बाजार तक लेके जाएगी यहाँ से? आप यहाँ पे दो मिनट खड़े हैं, सुजुकी आ जाएगी। सुजुकी आ जाएगी।